स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन। क्लास सिक्स एनसीईआरटी बुक सीबीएसई आरबीएसई दोनों सिलेबस का चैप्टर नंबर फिफ्थ अपन पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, जिसका पार्ट वन अपन ऑलरेडी बना चुके हैं। आज अपन पार्ट टू की बात करेंगे। पार्ट वन में अपन ने पढ़ा कि किस प्रकार से एक बच्ची जो है जिसके आँखों पर पट्टी बंधी हुई है, ये बच्चा उसको असिस्ट कर रहा है, और जब ये देखते हैं तो मिस भीम से जब बातें की जाती है क्या समझ में आता है, इनको पहले यही नज़र आता है कि बच्चे जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड है, लेकिन जब मिस भीम से उनको बताती है कि ये फिजिकली हैंडीकैप नहीं है बल्कि ये हमारा सिस्टम है, और हम पर बच्चे का प्रत्येक टर्म में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन उसको वन ब्लाइंड डे आता है, वन लैम डे आता है, वन डेफ डे आता है, वन एंजल डे आता है, और वन डम्ब डे आता है, जिन दिन बच्चों को इसी तरीके का बिहेव करना पड़ता है, और इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चा जो ब्लाइंड बनता है वो भी बहुत कुछ सीखता है, और जो हेल्पर होता है वो भी बहुत सीखता है। आज अपन पार्ट टू में देखो इससे आगे बढ़ते हैं। अब मिस भीम आगे कंटिन्यू बोलती रहती है, देयर इज नो मिजरी अबाउट इट, भाई यहाँ जो है कोई भी मिजरी नहीं है, कोई भी जो है दया की भावना नहीं है, या कोई भी किसी प्रकार का मिस फॉर्चून उनके साथ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एवरी वन इज वेरी काइंड एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ ए गेम, हर बच्चा जो है बहुत काइंड है, बहुत ज़्यादा दयालु है, और ये एक प्रकार का एक गेम है, एक प्रकार का खेल है। बिफोर द डे इज ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज वॉट मिस फॉर्चून इज, बिफोर द डे इज ओवर यानी दिन पूरा होने से पहले, दो इस प्रकार से इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड यानी बहुत ज़्यादा जो थॉटलेस जो लापरवाह बच्चे हैं, थॉटलेस का मतलब यहाँ क्या लापरवाह, जो लापरवाह बच्चे हैं रियलाइज वो भी ये महसूस करते हैं व्हाट मिस फॉर्चून इज, कि भी मिस फॉर्चून क्या होता है, दुर्भाग्य क्या होता है। कोई भी बच्चा जब ब्लाइंड होता है या डीफ होता है या डम्ब होता है या हैंडीकैप्ड होता है तो वो उसके खुद के वश में नहीं होता कि वो ऐसा क्यों है। तो हर बच्चा जो नॉर्मल बच्चा है वो ये रियलाइज कर सके कि उस पर्सन की क्या डिफ़िकल्टीज है, किस किस प्रकार की वो समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है ताकि वो रियलाइज कर सके, और अगर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कभी ऐसा कोई बंदा मिले तो वो उसके हेल्प कर पाए या उसकी सिचुएशंस को समझ सके। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, अब उन्होंने कहा कि जो ब्लाइंड डे है वो सबसे ख़राब होता है, वास्तव में सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। But some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. अब वगैरह लेकिन उनमें से कुछ बच्चे मुझे ये बताते हैं कि उनके लिए जो dumb day है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा होता है, बहुत ज़्यादा difficult होता है। क्यों? We cannot bandage the children's mouths. क्योंकि हम बच्चों के मुंह पर किसी भी प्रकार की कोई टैप नहीं लगाते, कोई बैंडेज नहीं लगाते हैं। अब जब मुंह के ऊपर कुछ भी नहीं लगाते हैं, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, और इसलिए उनको जो है अपनी इच्छा शक्ति का एक्सरसाइज करना होता है। अब जब तक बच्चे को याद है तब तक तो चुप रहेगा, लेकिन जैसे ही बच्चा भूल गया कि आज मेरा डम्ब डे है तो वो बच्चा बोल जाएगा। तो इस प्रकार से बिना किसी बैंडेज के अपने मुँह की एक्सरसाइज रखना ये सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए। अपन भी कई बार जो है चुप रहना होता है, वहाँ नहीं रह पाते, तो ये प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, अब उन्होंने कहा भाई चलो गार्डन में चलते हैं और आप खुद इसको फील करो, इस चीज़ को महसूस करो कि बच्चे ऐसा बच्चों को ये कैसा फील होता है। मिस भीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल, और मिस भीम जो है मुझे एक बैंडेज्ड गर्ल यानी जो पट्टी बांध रखी थी लड़की ने उसके पास लेके गई, और क्या बोला देखो, हियर इज ए जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, भाई यहाँ एक जेंटलमैन आए हैं जो कि तुमसे बात करना चाहते हैं, ये तुमसे बात करेंगे, सेड मिस भीम एंड लेफ्ट अस, और मिस भीम ने ऐसा कहा और वो हमें छोड़कर चली गई ताकि हम आराम से एक दूसरे से शेयरिंग कर सकें, बातें कर सकें। तो उन्होंने ये बताया। अब देखो
डोंट यू एवर पीप, आई आस्क द गर्ल, और मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या तुम कभी भी झांक कर नहीं देखती, पट्टी हटाकर कभी भी नहीं देखती। आई आस्क द गर्ल, मैंने उस लड़की से पूछा। ओ नो, सी एक्सक्लेम्ड, उसने कहा अरे नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, वो तो चीटिंग हो जाएगी, अगर मैं ऐसा करके देखूंगी तो वो तो चीटिंग हो जाएगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो हेल्पफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो है ब्लाइंड होना इतना बुरा होता है। अब ये सोच रही है, ये कह रही है कि मुझे ऐसा कोई इतना आइडिया ही नहीं था कि जो अंधा होना, ब्लाइंड होना इतना बुरा होता है। यू कांट सी ए थिंग, आप एक भी चीज नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, और आपको ऐसा लग रहा है हर समय आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप किसी से हिट कर जाओगे, टकरा जाओगे, हर समय ये भय सताता रहता है। इट इज सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और जब आप नीचे बैठ जाते हो तो ये सबसे बड़ी राहत की बात होती है, बैठ जाते हो तब ये एकदम से सुकून आता है कि हाँ अब नहीं टकराऊंगा। बाकी जब तक चलते रहते हो हर समय मन में ये भय बना रहता है कि किसी चीज से चोट ना खा लूं, किसी चीज से टकरा ना लूं। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क, अब मैंने उससे पूछा कि भी जो तुम्हारे हेल्पर्स है, जो तुम्हें मदद करते हैं, क्या वो तुम्हारे प्रति काइंड है, दया की भावना दिखाते हैं? तो देखो, फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट वॉज माई टर्न। लेकिन निश्चित रूप से वो दयालु है, लेकिन वो इतने ज्यादा केयरफुल नहीं है, इतने ज्यादा सचेत नहीं रहते जितना कि मैं रहूंगी जिस दिन मेरा टर्न आएगा। अब देखो दोनों में बेसिक सा डिफरेंस क्या है, जो बच्चा कभी ब्लाइंड नहीं बना और उसको अगर ब्लाइंड का असिस्टेंट बना दिया तो वो क्या करेगा, उसको क्या पता बेचारे को ब्लाइंड होना क्या होता है, किस प्रकार से, किन किन प्रकार के क्वेश्चंस उसके मन में आते हैं और कैसे उनको जवाब देना है। लेकिन जो बच्चा ऑलरेडी ब्लाइंड बन चुका है, ब्लाइंड की एक्टिंग कर चुका है, होल डे वो ब्लाइंड रहा है, तो उसके सामने कौन कौन सी डिफिकल्टीज आई वो खुद उसने फील किया। अब अगर अगली बार जो बच्चा ब्लाइंड का रोल कर चुका है उसको असिस्टेंट का रोल मिलेगा तो वो बेटर कर पाएगा ना, क्योंकि उसने तो खुद ने फील किया है कि भी कितनी तकलीफ होती है, कैसा कैसा लग रहा है, तो वो खुद उसको अच्छी तरह से असिस्ट कर पाएगा। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, अभी क्या करिए, वो बच्चे जो ऑलरेडी ब्लाइंड बन चुके हैं या ब्लाइंड की एक्टिंग कर चुके हैं वो बेस्ट हेल्पर्स होते हैं, यानी कि वो अच्छी तरह से हेल्प कर पाते हैं क्योंकि वो खुद फील कर चुके होते हैं इस चीज को। इट्स परफेक्टली गेस्टी नॉट टू सी, आई विश यू वुड ट्राई, और ये कह रहा है बहुत ज्यादा गेस्टी, बहुत ज्यादा मतलब यूं फंदा सा लगता है कि आपको बिल्कुल नहीं दिखे, तो आई विश यू वुड ट्राई, मैं चाहती हूँ कि आप इसका एक बार ट्राई करें। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क, और अब ये कह रहा है, मैंने कहा कि भाई क्या मैं तुम्हें कहीं असिस्ट करके ले जा सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करके कहीं तुझे ले जाऊं? ओ यस, ही सेड, उसने कहा अरे हाँ, लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, चलो थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, थोड़ा दूर घूम लेते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आप ही मुझे इन चीजों के बारे में बताओगे क्योंकि मुझे तो कुछ दिखता है नहीं। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, मैं बहुत खुश होऊंगी जब आज का दिन पूरा हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, अभी कह रहा दूसरे दिन जो है इससे आधे भी बुरे नहीं होते जितना कि ये दिन बुरा है। वही बंदा बनकर रहना, इतना आज का दिन जितना बुरा है दूसरे दिन इससे आधे भी बुरे नहीं होते। हैविंग ए लैग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इज ऑलमोस्ट फन आई गेस, और अब ये क्या कह रही है कि भी एक टांग पे जो है, हैविंग ए लैग टाइड अप, एक टांग को बांध के रखना, एंड होपिंग, और लंगड़ा कर चलना, अबाउट ऑन ए क्रच, एक बैसाखी के सहारे, इज ऑलमोस्ट फन आई गेस, मुझे लगता है कि वो तो बहुत ज्यादा एंजॉय वाली बात होगी, एक बड़ी एंजॉय की फन की बात होगी। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज अ बिट मोर ट्रबलसम, अभी अगर एक बाह को बांध कर रखना यानी कि जब इंजर्ड डे आएगा उस दिन, तो ये थोड़ा सा ट्रबलसम हो सकता है, मुसीबत भरा हो सकता है,
बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप उस दिन बिना किसी की हेल्प के खा नहीं सकते, एंड थिंग्स लाइक दैट, और इस तरह की चीजें नहीं कर सकते जब आपके हाथों पे बैंडेज बांध दे, हाथ बांध दे। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीप फॉर ए डे, आई डोंट थिंक कि मुझे नहीं, मैं नहीं सोचती, मुझे ये नहीं लगता, आई विल माइंड बीइंग डीप फॉर ए डे कि मैं एक दिन के लिए डेप बनूंगी, इस बात पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट नॉट मच, इतना ज्यादा तो नहीं। बट बींग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन एक ब्लाइंड बनना, अंधा बनना बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग होता है, बहुत ज्यादा भयभीत करने वाला है। माई हेड एक्ट्स दैट ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। माई हेड एक्ट्स यानी मेरा सर दर्द होने लगा ऑल द टाइम, पूरे समय, जस्ट फॉर वरिंग दैट, सिर्फ इसी चिंता में, इसी टेंशन में कि आई विल गेट हर्ट, कि मुझे चोट लग जाएगी। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ हैं? ये कह रही मुझे पूरे दिन इसी बात की चिंता रही कि कहीं मुझे चोट न लग जाए, इसी से जो है मेरा हेडेक होने लगा, सर दर्द होने लगा, और क्योंकि मैं हमेशा यही सोचती कहीं मुझे चोट न लग जाए, और बातें करते करते पूछ रही अब हम कहाँ पहुंचे। तो ये कह रहा है इन द गार्डन, गार्डन में पहुंच गए। आई सेड मैंने कहा वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, और हम आज घर की तरफ चल रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये व्यक्ति जो है इस बच्ची को असिस्ट कर रहा है, और ये बच्ची जो है इनसे क्वेश्चंस पुट अप कर रही है, और ये इनका आंसर दे रहे हैं। अब देखो मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद ए टॉल गर्ल। अब मिस बीम जो है वो एक लंबी सी लड़की के साथ गार्डन में घूम रही है। वॉट इज द गर्ल वेयरिंग, अब ये पूछ रही है भाई उस लड़की ने क्या पहन रखा है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क, यानी मेरे लिटिल फ्रेंड यानी जिसकी बैंडेज बंधी हुई थी उसने पूछा, और मैंने क्या कहा, देखो अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज, उसने एक ब्लू कॉटन का स्कर्ट पहन रखा है और पिंक कलर का ब्लाउज पहन रखा है। तो उसने क्या कहा, आई थिंक इट्स मिली, भाई मैं सोचती हूँ वो मिली होगी। वो कौन है? मिली है, सी सेड, उसने कहा। व्हाट कलर्स ऑफ हर हेयर्स, उसके बालों का कैसा कलर है, उसके बालों का कलर कैसा है? वेरी लाइट, आई सेड, मैंने कहा बहुत लाइट कलर है। यस दैट्स मिली, हाँ हाँ वो मिली है। सी इज द हेड गर्ल, वो हेड गर्ल है यानी कि वो मॉनिटर है, वो हेड गर्ल है। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइपिंग अप रोजेज, आई सेड, और अब मैंने कहा कि भाई यहाँ जो है एक व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है, टाइपिंग अप रोजेज, गुलाब को, ये देखो गुलाब के फूलों को जो पानी दे रहा है, उनकी देख रेख कर रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, यस दैट्स पीटर, हाँ हाँ वो पीटर है। ही इज द गार्डनर, वो गार्डनर है। ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड, वो लगभग 100 साल का है, सैकड़ों सालों बूढ़ा है। एंड Here comes a girl with curly red hair. She is on crutches. अब उन्होंने कहा देखो यहाँ एक लड़की आ रही है जिसके curly red hair है और वो crutches पे चल रही है, crutches पे चल रही है यानी बैसाखी के सहारे चल रही है। तो इसने कहा देखो हाँ अरे वो तो अनीता है, कौन है? ये अनीता है, ये देखो क्रंच लेके, क्रंच के सहारे जो चल रही है। तो जब उसके बारे में बताया कि भाई इसके रेड कर्ली हेयर है, तो इसने कहा ये कौन है, दैट्स अनीता, ये अनीता है। एंड सो ऑन एंड सो वी वॉक्ड ऑन, और इस प्रकार से हम चलते गए। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड, और धीरे धीरे मुझे पता चला दैट आई वॉज 10 times मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। आई वॉज कि मैं था 10 times मोर थॉटफुल, 10 गुना ज्यादा सोचने वाला, 10 गुना ज्यादा जो है मैं विचार करने लगा, इस बारे में चिंतन करने लगा, देन आई एवर थॉट आई कुड बी, जितना कि मैं सोच सकता था। आई ऑल्सो रियलाइज, और मुझे ये भी रियलाइज हुआ, ये भी एहसास हुआ दैट इफ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल द थिंग्स टू समवन एल्स, कि अगर मुझे लोगों का डिस्क्राइब, दूसरे लोगों का डिस्क्रिप्शन दूसरे लोगों को देना पड़े,
इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। तो उन लोगों का जिनके लिए मैं वर्णन कर रहा हूँ उनका इंटरेस्ट मुझ में बढ़ जाता है। भाई अगर आप किसी को, जिसको नहीं पता, अगर ब्लाइंड को आप जो है एक एक चीज को बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताओगे तो क्या होगा, ब्लाइंड का जो फेथ है, ब्लाइंड का जो इंटरेस्ट है वो आप में और ज़्यादा डेवलप होगा, तो वो आपके प्रति और ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्टेड होगा। When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go। अरे क्या, जब फाइनली अंततः जब मुझे जाना पड़ा तो मैंने मिस बीम से कहा कि भाई मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मुझे जाना पड़ रहा है, यानी कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता लेकिन मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, इस बात का मुझे दुख है। Oh, she replied, then there is something in my system after all। और तब जो है मिसेस बीम ने कहा, अरे इसका मतलब मेरे सिस्टम में कुछ तो ऐसा है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, भाई कोई तो विशेष बात है जिससे कि लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं या अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से आज के इस चैप्टर ने, जिसको कि ईवी लुकास ने लिखा था, इससे हमने ये फाइंड आउट किया कि दूसरे लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, जो उनकी समस्याएं हैं, वो समस्याएं किस प्रकार की होती है, और जब हम प्रैक्टिकली उनका एक्टिंग ही करें, चाहे प्रैक्टिकली उनको फील करें, तो हम उनकी सिचुएशंस को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। ये आज के इस चैप्टर में अपन ने जाना। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब जो भी न्यू वर्ड्स है वो आप अपनी नोटबुक में लिखोगे, इसके साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लोगे। इसी आशा के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।